मैं ओपी चौधरी, कलेक्टर रायपुर, अपनी माटी और अपने लोगों के लिए अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति का दामन थामा, और इसके पीछे जो सभी ने वजह बताई वो लगभग एक ही थी, समाज सेवा। अब ये फैसला कई बार उन्हें शिखरता की नई बुलंदियों पर पहुंचा देता है तो कई बार उम्मीद से विपरीत शिकस्त भी देता है और निराश करता है। आज फोर्थ आई न्यूज आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही नेता के बारे में बताने जा रहा है जिन्होंने अपनी कलेक्ट्री छोड़कर राजनीति में आने का फैसला लिया। रायपुर कलेक्टर सहित विभिन्न जिलों की कमान संभाल चुके ओपी चौधरी मूल रूप से छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से लगे मात्र 1500 की आबादी वाले एक छोटे से गांव बायांग में 2 जून 1981 को इनका जन्म हुआ था। माता एक गृहिणी थी जिनकी शिक्षा केवल चौथी कक्षा तक हुई। इनके दादाजी 50 सालों से अधिक समय से कृषि कार्य कर चुके थे, लिहाजा एक किसान परिवार में इनका बचपन बीता। ओपी चौधरी के पिता नजदीकी शाला में शिक्षक थे, लेकिन जब ओपी महज 8 साल के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और ओपी चौधरी को बचपन में ही पिता खो देने से एक गहरा सदमा लगा था। जो ये सोचते हैं कि एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेजी में और अच्छे संपन्न संस्थान से करनी चाहिए, उन्हें ये जानकर शायद अचरज होगा कि ओपी चौधरी ने कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा अलग अलग गांव के सरकारी स्कूलों से हिंदी माध्यम में ही पूरी की थी। इनका स्कूली जीवन तो पूरी तरह से सरकारी स्कूल में ही बीता। मन में बचपन से ही कुछ बड़ा करने की ललक ओपी चौधरी में थी। जब समझ पूरी तरह से विकसित हुई तब समाज सेवा के लिए प्रशासनिक अफसर बनने की ठानी। स्कूल के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए उनके गांव में कोई कॉलेज नहीं होने के चलते इन्हें स्टील सिटी भिलाई का रुख करना पड़ा। बीएससी में गणित विषय के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी करते हुए सन 2005 बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रदेश के सबसे कम उम्र महज 22 साल में आईएएस अधिकारी बने। इन्होंने कुछ सालों बाद अपना विवाह भी कर लिया। सन 2005 से लेकर लगातार 13 सालों तक यानी 2018 तक उन्होंने अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ में प्रशासकीय सेवा दी। ओपी चौधरी आईएएस की पहली पोस्टिंग 2006 में कोरबा छत्तीसगढ़ में हुई, उसके बाद रायपुर 2007 में आए, फिर रायपुर में ही एसडीओ का पदभार ग्रहण किया। ओपी करीब 13 महीने तक रायपुर नगर निगम में आयुक्त रहे, फिर उसके बाद 2011 में दंतेवाड़ा जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ उनका ट्रांसफर हुआ, तो आदिवासियों के उत्थान में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओपी चौधरी जांजगीर जिले में कलेक्टर और रायपुर में निर्देशक जनसंपर्क के साथ साथ कलेक्टर का दायित्व भी संभाल चुके हैं। जब ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर थे तब एनआईटी सहित पंडरी के खालसा स्कूल के सामने बना ऑक्सीजोन इनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से ही एक है जिसकी रूपरेखा इन्होंने अपने कार्यकाल में ही तैयार की थी। वो रायपुर में सुंदर झील परियोजनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्मार्ट स्कूल, आरटीआई में पारदर्शिता, युवा सितारा के लिए कैरियर विकास मार्गदर्शन जैसे बहुत से कामों का इन्होंने निष्पादन किया। ओपी चौधरी जिस जिले में रहे वहां उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने क्षमताओं से परिपूर्ण काम किया। वो स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में कैरियर मार्गदर्शन में विकास के लिए एक स्पीकर के तौर पर आज भी विख्यात हैं। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से स्कूल बस्ते के वजन को कम करने की रणनीतियों को लागू किया। जिला दंतेवाड़ा में तमन्ना, नन्हे परिंदे, छूलो आसमान, शिक्षा लहर, लाइवलीहुड कॉलेज जैसे विशेष शैक्षणिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक सराहना की जाती है। इन्हीं विशेष शैक्षणिक परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए ओपी चौधरी को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि आईएएस ल छोड़ के राजनीति में आए के जो मोर निर्णय है बोले मैं अच्छी तरह से सोच समझ के ले हूँ। साल 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर करते हुए वर्तमान में देश के केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई।
उस दौर में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, लिहाजा ओपी चौधरी को पार्टी ने खरसिया से उमेश पटेल के खिलाफ मैदान में उतारा। लेकिन उमेश अपनी परंपरागत सीट बचाने में सफल रहे और ओपी चौधरी ने खुद को बीजेपी का सेनापति बताते हुए अपनी हार स्वीकार की। आज भी ओपी चौधरी को आप विभिन्न राजनीतिक मंचों पर देख सकते हैं, खासकर रायगढ़ जिले में पार्टी की ओर से उनकी सक्रियता खास नजर आती है। बहुत सारे लोग अब भी ओपी चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ का युवा वर्ग जो उन्हें अपना मार्गदर्शन मानता है। वो ये चाहता है कि एक युवा नेता के तौर पर ओपी चौधरी आगे बढ़ें और मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन करें। क्या कलेक्ट्री छोड़कर राजनीति में आने का उनका फैसला सही है? आप क्या मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप 4th Eye News को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।